गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। हाँ जी, पहुंच गया जी। मैं 2 मिनट लेट हूँ लेकिन पहुंच गया हूँ। चलिए, लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री जनरेशन के बारे में पढ़ा था कंप्यूटर की। आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम हार्डवेयर और मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो पूरा स्कोप मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या हमने पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ओके, तो आज की क्लास में हम जब शुरू करने वाले हैं इसको, उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं टाइम टेबल के बारे में बताना चाहूंगा नेक्स्ट वीक के, क्योंकि मैं देखता हूं कि काफी स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर मैसेज करते हैं कि ये क्लासेस क्यों नहीं है, ये क्लासेस क्यों नहीं है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा टाइम टेबल हमने बना दिया है, आपके साथ भी हम शेयर कर देंगे सून, ठीक है। इसमें आपकी 5 दिन चलेंगी अकाउंट की क्लासेस, ठीक है, ये वीक, और इससे नेक्स्ट वीक आपका अकाउंट और ऑडिटिंग दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अकाउंट्स और ऑडिटिंग दोनों खत्म हो जाएंगे इस वीक, ये चलेगा, नेक्स्ट वीक आपका ऑडिटिंग चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैथ की आपकी 3 क्लासेस होने वाली है जिसमें हम टाइम एंड वर्क पार्ट 1, टाइम एंड वर्क पार्ट 2, और इसमें हम पाइप्स एंड सिस्टम करेंगे जिसको मैं टाइम एंड वर्क में ही आपको कवर करवा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी स्कीम्स की 2 क्लासेस और रहेंगी। स्कीम्स में जो आपकी सोशल सिक्योरिटी हमारा जो एक चैप्टर है, कॉम्पोनेंट है, उसमें स्कीम्स वाला पोर्शन बचा हुआ था, बाकी सारा आपको आकांक्षा मैम ने करवा दिया था। इसमें आपको इंश्योरेंस के रिलेटेड स्कीम्स भी हम करवाएंगे ताकि जो इंश्योरेंस वाला आपका कॉम्पोनेंट है वो भी खत्म हो जाए। लास्ट में आपका करंट अफेयर की क्लास रहेगी, ठीक है। संडेस को आपका फिर से कंप्यूटर का क्लास होगा, यहाँ पे हार्डवेयर नहीं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर रहेगा। जो नेक्स्ट संडे आपकी क्लास होगी उसमें हम सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे, प्लस अगर मुझे समय मिलता है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो वीक में भी आपकी एक क्लास ले लूंगा मैं कंप्यूटर की, ठीक है। अगर टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है और कुछ नहीं है, क्योंकि पेड बैचेस भी काफी चल रहे हैं हमारे एक साथ, तो जैसे अगर मुझे टाइम मिलेगा बीच में 1-1.5-2 घंटे का, उसमें आपका कंप्यूटर की हमें एक क्लास ले लूंगा। उसके बाद इवनिंग की अगर हम बात करें तो आपकी एक क्लास होगी इंग्लिश की, जिसमें सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सर आपको एक रिकॉर्डेड क्लास देंगे इंग्लिश की, जिसमें 60 सर कह रहे थे कि मैं 60 रूल्स बताऊंगा जो ज्यादा पेपर में यूज होते हैं, तो वो रिकॉर्डेड क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे आपको वो भी देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा अपना इकोनॉमी की आपकी 2 क्लासेस और साइंस की 3 क्लासेस रहेंगी, साइंस की 3 क्लासेस रहेंगी, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की आपकी इस वीक 5 क्लासेस होंगी, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे, और इसके बाद एक क्लास हो रहेगी और आपकी रीजनिंग आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रोस्टर है, इसमें एमसीक्यू सेशन भी हमारा है, करंट अफेयर भी है, ऑलमोस्ट सब कुछ है। अब बचा क्या है इसमें, ज्योग्राफी। आप एक बच्चे ने लिखा था ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी के लिए आपकी जो टाइमिंग रहने वाली है वो 1:30 रहेगी, 1:30। सर ने एक शॉर्ट भी बनाया था, अगर आपने देखा हो उसमें बताया हुआ है कि जो हम CAPF में ज्योग्राफी करेंगे आपने भी वही रेफर करनी है, आपने भी सेम वही ज्योग्राफी को ही रेफर करना है जो CAPF में हम करेंगे, ठीक है। चलो आता है, प्लीज टेल मी, ऑडिट नहीं आएगा, AOEO में नहीं आएगा। यार देखो, आपको सिलेबस का भी नहीं पता अभी तक, एटलीस्ट अब आप मुझे सिलेबस के क्वेश्चन मत पूछो यार, इतना तो आपको पता ही होगा ना, कब सिलेबस के बारे में आपको पता चलेगा, कब आप फिर आगे तैयारी करोगे। तो एटलीस्ट आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपकी अपनी पिछली क्लासेस में भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा टाइम टेबल, आज हम अपना कंप्यूटर की बात करेंगे। अब कंप्यूटर की क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, अगर मैं बात करूं तो 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक रहता है हमारे पास हार्डवेयर, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक रहता है हार्डवेयर, एक रहता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर और क्या क्या चीजें आती है, इसमें आता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद आएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये हार्डवेयर का पार्ट होता है। इसके अलावा जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उसमें आपको प्रिंटर्स देखने को मिलेंगे, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, तो वो हम पढ़ेंगे कि प्रिंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि मदरबोर्ड क्या चीज होती है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू में एक मेमोरी आती है, रजिस्टर, तो टाइप ऑफ रजिस्टर्स भी देखेंगे कि कितने तरह के रजिस्टर्स होते हैं। उसके बाद रैम है, रोम है,
सीडी रोम है, जितनी भी ये तरह के हमारे पास कंप्यूटर मेमोरीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी किसे कहा जाता है, और किस जनरेशन में क्या क्या मेमोरीज यूज हुई है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा आज की क्लास का स्कोप होने वाला है। वीडियो के एंड तक बस आपने बने रहना है। मैं आपको ये कह देता हूं कि एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको बोर फील होगा, बोर बिल्कुल नहीं होगा आज की क्लास में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, और जिन्होंने कंप्यूटर जो चलाते हैं, जो यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनको बड़ा मजा आएगा, उनको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें उन्होंने देखी होंगी ऑलरेडी, तो जब एक बार फिर से सीखने को मिलेगा तो आपको बड़ा मजा आने वाला है इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। पहली सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेटा किसे बोलते हैं हम प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं और हम इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। अब देखो, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का जो बेसिक काम क्या होता है, वो होता है डेटा को प्रोसेस करना। कि मान लो मैं उसमें कोई डेटा फीड करता हूं, तो वो क्या करेगा, उसको एक सीरियल वाइज कह लो या एक सिस्टमेटिकल वे में हमें वापिस रिवर्ट करेगा। ठीक है, तो जो डेटा हम कंप्यूटर में को देते हैं, जो हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं बेसिकली, उसको बोला जाता है डेटा। जो भी हम फिगर्स, रो फिगर्स हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, उन सबको क्या बोला जाता है? डेटा बोला जाता है, जो भी इनपुट हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। फिर वो कंप्यूटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो हमें यूजफुल रिजल्ट होगा, वो हमें आउटपुट की फॉर्म में वापस करेगा, वो हमें आउटपुट की फॉर्म में वापिस करेगा। और जो डेटा प्रोसेस होने के बाद हमें एज ए रिजल्ट मिलता है, उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो जो रो डेटा होता है उसको नॉर्मली डेटा कहा जाता है, जो प्रोसेस होने के बाद हमारे पास मिलता है हमको, उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनपुट का मतलब क्या होता है? जो चीज आप कंप्यूटर को दे रहे हो, जो डेटा आपने कंप्यूटर को दिया है, उसको क्या बोला जाएगा? इनपुट। उनको हम क्या बोलेंगे? इनपुट। तो जो प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर हमको वापस करता है, प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर जो हमको वापस करता है, उसको क्या बोलेंगे हम? आउटपुट। ठीक है, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, ये आप सभी को पता चल गया होगा, है ना? इनपुट क्या चीज होती है और आउटपुट क्या होता है, आई होप आप सभी को यह पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट देखो हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने यहां पे चार बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं भाई कंप्यूटर हार्डवेयर में। एक तो रहता है हमारे पास इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट यूनिट, एक होता है स्टोरेज, और एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो जिन जिन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जिन जिन डिवाइसेस पे में से हम किसी कंप्यूटर को अगर इनपुट दे रहे हैं, तो उन सभी डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? इनपुट यूनिट या फिर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रोसेस डेटा जो हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो हमें दिखा रहा है, उसको बोला जाता है जी आउटपुट यूनिट। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट यूनिट। ठीक है, जहां पे उस डेटा को स्टोर किया जाएगा, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो, जहां पे उस पर्टिकुलर डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टोरेज डिवाइसेस। उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डेटा को प्रोसेस करता है, जो डेटा को प्रोसेस करता है, उसको बोला जाता है सीपीयू या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे यहां पे देखो, इनपुट हमने दी है कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने क्या किया है? प्रोसेस किया है, और हमें क्या मिली? फाइनली आउटपुट मिल गई है। तो इस तरीके से जो मेन मेन जो ब्रॉड टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब शुरुआत करेंगे बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंप्यूटर की, उसके बारे में, उसको लेके, और वो है हमारे पास मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसे बोला जाता है जी मदरबोर्ड, या फिर आप कह सकते हो कि जो बेस होता है, बेस को बोला जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से मदरबोर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। दो इमेजेस मैंने लगाई हैं, ये आपको 3D की शेप मिलेगी आपको यहाँ पे। तो ये जो मदरबोर्ड है, इसके नीचे जो प्लेट लगी हुई है ना, इसके नीचे जो प्लेट लगी हुई है, इसको बोला जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, इसके नीचे जो प्लेट लगी हुई है, इसको बोला जाता है मदरबोर्ड। और ये मदरबोर्ड लगभग हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, चाहे आपका टीवी है, टीवी जो है टेलीविजन, टेलीविजन है, आपकी एलसीडी है, आपकी एलईडी है, आपका मोबाइल है, आपकी घड़ी है ना, आपका कंप्यूटर है, इन सब में क्या होगा? मदरबोर्ड आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये मदरबोर्ड बेसिकली होता क्या है? इसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल पोर्ट्स।
कह सकते हो या बोर्ड्स कह सकते हो, एक ही बात है कि जो जो मदरबोर्ड होता है ना, इसी में ही हर एक डिवाइस जो है वो कनेक्टेड होता है। कोई भी हार्डवेयर जो डिवाइस है कंप्यूटर का, कोई भी हार्डवेयर जो डिवाइस है जिसको आप देख सकते हो, वो हर एक डिवाइस जो है वो मदरबोर्ड के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। हाँ जी बताइए, ये चीज समझ आई आप सभी को? हाँ जी ठीक है। ठीक है जी, क्लियर। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट देखो, मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें मैं कह रहा हूं कि हर एक चीज कनेक्टेड है, चाहे वो रैम है, चाहे वो रोम है, कोई भी मतलब मेमोरी डिवाइस है। इसके अलावा कोई भी पोर्ट है, आपको यहाँ पे पोर्ट दिखेंगे, यूएसबी पोर्ट दिख रहा है, एथरनेट पोर्ट है, इसके बाद ऑडियो वीडियो पोर्ट है आपके पास, ये और भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं। आपका जो ग्राफिक कार्ड वगैरह होगा, जो भी आपकी पावर सप्लाई होगी, वो हर एक चीज आपको मदरबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी सारे बोर्ड्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, इसी में आपको हर एक सीपीयू चिप, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। प्लस इसमें आपको ग्राफिक कार्ड के स्लॉट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो सब कुछ ही मदरबोर्ड में के साथ कनेक्टेड होता है, और यही चीजें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके। जो इसके साथ सब कुछ कनेक्टेड है ना, ये सारा आपने पढ़ना है कि एथरनेट पोर्ट क्या होता है, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, ठीक है, ऑडियो वीडियो पोर्ट्स क्या होते हैं, सीपीयू क्या है, रैम रोम क्या है, ये सारा कुछ हमने पढ़ना होता है, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। प्लीज भाई एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे चैट मत करो, प्लीज ऐसे चैट मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट वाली बात है, मान लो बात। क्यों आप इतनी टेंशन ले रहे हो यार? हिंदी में नहीं मिलेगी, बस बात खत्म। हिंदी में आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, आसान सी भाषा में आपको समझ नहीं आता भाई, हिंदी में नहीं हो पाएगी ट्रांसलेशन। मदरबोर्ड को पता क्या लिखेगा वो? मदरबोर्ड को हिंदी ट्रांसलेशन पता कैसे करेगा वो? आप खुद देखो, फिर आप कहोगे कि गलत गलत ट्रांसलेशन हो रखी है। देखो, क्योंकि मुझे हिंदी में टाइप करना नहीं आता, मैं गूगल का यूज करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि गलत हो जाएगा, है ना। तो प्लीज वो चीज, जो चीज पॉसिबल नहीं है, उस चीज की डिमांड मत किया करो, है ना, ठीक है। ठीक, चलो भाई, थोड़ी तो समझदार बनो यार, आप पढ़े लिखे लोग हो सारे, है ना। कोई अनपढ़ बंदा ऐसी बात करे ना, उसको इग्नोर किया जा सकता है, आपकी बातों को मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता, पढ़े लिखे लोग हो सारे, तो प्रूफ दैट कि आप पढ़े लिखे हो, है ना, अनपढ़ों वाली बात ना किया करो। चलो भाई, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। अब देखो, इसमें हमने मदरबोर्ड पढ़ लिया। अब मदरबोर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज सीपीयू, जो मेन प्रोसेसिंग का काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि सीपीयू एक्चुअल में होता क्या है। तो इसको आपने समझना है अच्छे तरीके से भाई। सीपीयू की अगर मैं बात करता हूं, तो सीपीयू को बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आसान पेपर में सवाल आए तो हो सकता है कि आपको ये भी आ जाता है, ये भी पूछ लेगा कि बताओ सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इट इज मेड ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट्स। इसके बेसिकली तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कॉम्पोनेंट आता है इसमें एएलयू, दूसरा कॉम्पोनेंट इसमें आता है सीयू, तीसरा आता है इसमें मेमोरी। तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, एक रहेगा हमारे पास एएलयू, एक रहेगा सीयू, एक होगा मेमोरी, और स्पेशली मेमोरी में भी जो रजिस्टर मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो रजिस्टर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब तीनों को आपने समझना है कि तीनों की वर्किंग क्या है, इससे आपको सीपीयू के बारे में पता चलेगा कि व्हाट इज सीपीयू एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर मैं एएलयू की बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये क्या होती है हमारे पास? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
दूसरे नंबर पे अगर मैं सीयू की बात करता हूं तो सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अब अगर मैं वर्किंग की बात करूं, देखो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद दी मैथ, ये मैथ के साथ एसोसिएटेड है। मतलब कोई भी अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, चाहे आपने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, या फिर आपने अगर डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए हम क्या करेंगे जी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज करेंगे। कोई भी अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन अगर आपने किसी भी तरीके की करनी है, चाहे वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, वो किसकी मदद से किया जाता है, एएलयू की मदद से। क्यों? क्योंकि एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब जितने भी हमारे पास कैलकुलेशन के ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे अर्थमेटिक में आते हैं। दूसरा आता है लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या होता है जी, लॉजिक मतलब कंपैरिजन। अगर आपने कंपैरिजन करना है, हम कंपैरिजन का मतलब क्या होगा कि कोई चीज लेस देन है ना, लेस देन हो गया, इसके अलावा ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये तीनों काम कौन करेगा, कंपैरिजन वाला यूनिट यानी कि लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक यूनिट का काम क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये होता है जी लेस देन का, ये होता है इक्वल का। ठीक है, तो ये वाला काम कौन करवाएगा, लॉजिक यूनिट करवाएगा। तो एएलयू का काम क्या होता है बेसिकली, अगर आपसे पूछे कि जो सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसका क्या काम रहता है, तो आप क्या कहोगे, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो, इसके अलावा हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, मतलब कंपैरिजन वाले यूनिट्स, लॉजिक यूनिट्स, कंपैरिजन वाले यूनिट्स का काम करना। तो आई होप आपको एएलयू का काम पता चल गया होगा, मेन ये कह लो कि प्रोसेसिंग का काम यही करता है, मेन जो है वो प्रोसेसिंग का काम इसका ही है। अब दूसरे नंबर पे आता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब देखो बच्चे इसको इस तरीके से समझो कि एएलयू क्या कर रहा है, सारा काम कर रहा है ना, सारा प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कर रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए है ना, इसको मैनेज करने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए ना। जैसे मान के चलो कि आपने एक लेबर रखी हुई है, आपने कोई इंप्लॉय रखे हुए हैं सारे के सारे, तो वो काम कर रहे हैं, जैसे एएलयू काम कर रहा है, तो उन सभी इंप्लॉयज को कि वो अच्छे तरीके से काम करें, प्रॉपरली काम करें, तो उनके लिए आपको एक मैनेजर भी चाहिए होगा जो उन सबको क्या करेगा, मैनेज करेगा, है ना, उन सभी इंप्लॉयज को मैनेज करेगा कि हाँ अच्छे से काम हो जाए, अच्छे से प्रोसेसिंग हो जाए। तो भाई वो मैनेजर वाला काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। सीयू का काम क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ डेटा है वो प्रॉपरली काम करे, क्योंकि देखो जो एग्जीक्यूशन साइकिल है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक पता नहीं बताया या नहीं बताया, नहीं तो आगे बता दूंगा, कि एक ना होता है हमारे पास एग्जीक्यूशन साइकिल या मशीन साइकिल। एग्जीक्यूशन साइकिल कह सकते हो आप इसको, या फिर मशीन साइकिल बोल सकते हो, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है बेसिकली, है ना, प्रोसेसिंग होती कैसे है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटा फेच करते हैं, फेच का मतलब डेटा, कंप्यूटर को डेटा देना। ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा, उस डेटा को डीकोड करेगा। डीकोड क्यों करेगा, क्योंकि देखो हम तो इंग्लिश में या हाई लेवल लैंग्वेज में डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो वो क्या करेगा, डेटा को डीकोड करेगा। ठीक है, डीकोड होने के बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, प्रोसेसिंग, है ना, प्रोसेसिंग होनी है, प्रोसेस होगा डेटा को, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगी, उस आउटपुट को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, उस आउटपुट को क्या किया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। तो इसे बोला जाता है बच्चे एग्जीक्यूशन साइकिल, इसे बोला जाता है मशीन साइकिल या फिर एग्जीक्यूशन साइकिल, की पहले डेटा फेच होगा, ठीक है, जो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा या मेमोरी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मेमोरी के द्वारा जो डेटा फेच किया जाएगा, फिर उस डेटा को डीकोड किया जाएगा। डीकोड कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट, मतलब ये मैनेज करेगा, ये देखेगा कि डेटा प्रॉपरली डीकोड हो जाए। फिर प्रोसेसिंग का काम किसका होगा, एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा, इस डेटा को प्रोसेस करेगा। उसके बाद होगा स्टोर, स्टोर किसमें होगा, मेन मेमोरी में, स्टोर कहाँ होगा, मेन मेमोरी में। तो इस तरीके से चलता है बेटा पूरा का पूरा मशीन साइकिल, और ये मशीन साइकिल सही तरीके से काम करे, सही तरीके से डेटा प्रोसेस हो, सही तरीके से हमें यूजफुल आउटपुट मिले, उसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है, सीयू, कंट्रोल यूनिट।
कंट्रोल यूनिट इस पूरे साइकिल को क्या करता है, मैनेज करता है। आई होप आपको ये चीज सबको समझ आ चुकी होगी कि सीयू का एक्चुअल में काम क्या होता है। कहने को तो कोई काम नहीं है इसका, बस यह कि अगर कोई कंप्यूटर अच्छे से काम कर रहा है तो उसके पीछे का योगदान आप कह सकते हो कि सीयू का है। खुद कोई काम नहीं करना, दूसरों का काम देखना है कि अच्छे से काम हो रहा है या नहीं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। डेटा को प्रोसेस करने के लिए ALU, डेटा को कंट्रोल करने के लिए, एग्जीक्यूशन साइकिल को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है सीयू का। और मेमोरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर मेमोरी की बात होगी, और जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स बताऊंगा उसमें मैं अलग अलग रजिस्टर्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे कौन सा रजिस्टर क्या काम करता है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतनी चीज बताना चाहूंगा कि रजिस्टर्स आर दी फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो कैशे मेमोरी मत बोल देना, कैशे का नाम मत लेना, फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। क्यों रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी होती है? बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट टू सीपीयू, क्योंकि ये सीपीयू के सबसे ज्यादा पास होते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये सारा समझ आया आपको कि सीपीयू क्या होता है और फंक्शनिंग कैसे होती है सीपीयू की, समझ आ गया? हाँ, मेमोरी बफर रजिस्टर करके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइप ऑफ रजिस्टर आ गया ना ये। चलो भाई, सबको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो मैंने नोट्स में भी आपको दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे मैंने क्या लिखा था, अब देखो ये मैंने यहां पे एग्जीक्यूशन साइकिल भी बना रखा है, ठीक है, देख लेना। कंट्रोल यूनिट डीकोड करता है, ALU एग्जीक्यूट करता है, फेच और स्टोर मेन मेमोरी में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इन विच ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, कि जहां पे जो हमारा डेटा है जो एग्जीक्यूट हो और कंट्रोल हो, वो काम कौन करता है? सीपीयू। मतलब एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा? ALU करेगा, और कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? सीयू करेगा, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर, इसको सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जाता है और मेन प्रोसेसर भी हम कह सकते हैं, या प्रोसेसर ही होता है ऑब्वियसली। थर्ड है हमारे पास कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स द मशीन साइकिल, जो मैं आपको बता चुका हूं। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड्स, कैन डू इधर अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। और ये है हमारे पास फोटो, ये फोटो रहेगी हमारे पास सीपीयू की। ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हो, या इंटेल कोर i7 का मैंने लगा रखा है यहाँ पे, जो लेटेस्ट ही है अभी, ठीक है। और ये जो डब्बा आप देख रहे हो ना, इसको सीपीयू नहीं बोलना इसके बाद आपने, ठीक है। इसे बोला जाता है प्रोसेसिंग यूनिट, या सिस्टम यूनिट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम यूनिट। ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं सीपीयू, बट सीपीयू इसके अंदर होता है, और इसके अंदर तो हार्ड डिस्क भी रहेगी, रैम भी रहेगी, मदरबोर्ड भी रहेगा, सारे के सारे पोर्ट्स भी होते हैं, इसमें सीडी लगाने वाला एरिया भी रहता है, तो हर एक चीज होती है इसमें। तो ये होता है सिस्टम यूनिट, ठीक है। और सीपीयू इसके अंदर होता है, ठीक है। इसको प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं कुछ लोग, वैसे प्रॉपर नाम इसका क्या होता है? सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। आज के बाद आपको सीपीयू के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट आएंगे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, कि इनपुट डिवाइसेस होते क्या है। तो आज के टाइम पे दोस्तों, आप सभी कंप्यूटर को पढ़ते हो, कंप्यूटर सभी चलाते भी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको समझाने में मुझे ज्यादा समय लगेगा। कंप्यूटर को जब भी हम कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो डेटा प्रोवाइड करने के लिए जिन डिवाइसेस का हम यूज करते हैं, उनको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। उनको क्या बोलते हैं हम? इनपुट डिवाइसेस। वो सारे के सारे डिवाइस जो यूज किए जाते हो कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो आपका माउस है, चाहे वो आपका कीबोर्ड है, ठीक है, चाहे वो टच स्क्रीन पैनल है, चाहे वो ये स्टाइलस भी क्या कर रहा है, इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा माइक्रोफोन्स, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये आवाज दे रहा है ना आपको, इनपुट दे रहा है आवाज की, तो ये भी क्या है हमारे पास? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा स्कैनर्स होते हैं, जो हम कोई भी फाइल को स्कैन करके उसको कंप्यूटर को सॉफ्ट कॉपी दे देते हैं। इसके अलावा जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो रिमोट्स होते हैं वीडियो गेम्स के, ठीक है, जॉयस्टिक्स होती हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। हाँ जी, ये चीज समझ आई आप सभी को? व्हाट आर दी इनपुट डिवाइसेस, व्हाट आर दी इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब देखो, एग्जामिनर इतने आसान सवाल तो नहीं पूछेगा ना कि आपको ये बोल देगा कि क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस, ऐसे सवाल तो नहीं आएंगे। पहले पहले आते थे, 5-6 साल पहले,
कि जिसमें माउस आता था ऑप्शन में, कीबोर्ड आ जाता था, है ना, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इस तरीके से। तो ये तो हमें आज के टाइम पे पता ही है, इसके आज के टाइम पे हमें इनपुट डिवाइसेस का तो पता ही है। लेकिन कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो हम मेन कंप्यूटर के साथ यूज नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्रीज में उनका यूज किया जाता है। ठीक है, मेन कंप्यूटर के साथ तो हम उन इनपुट डिवाइसेस का यूज नहीं करते, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो एजेंसीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनमें उनका यूज किया जाता है, तो वो इनपुट डिवाइसेस की हम बात करेंगे अब। ठीक है, तो इससे पहले आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये चेक आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में देखा होगा, है ना, कोई भी चेक है, बैंक का नाम लिखा हुआ है, जैसे मैंने HDFC बैंक की एग्जाम्पल ली है, तो यहाँ पे RTGS और NEFT लिखा हुआ है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म लिखो, सभी RTGS की फुल फॉर्म लिखो, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इसका। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पूनम देवी, ये सारा आता है आपको, ये आता है आपको सारा, जो शॉर्टकट कीज पूछेगा। पहले जो कर रहे हो वो तो कर लो यार, पता नहीं क्या ही करोगे आप जिंदगी में, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। हाँ, फुल फॉर्म ना आप ऐसा करना, नोट करते रहना ताकि कुछ छूट ना जाए, है ना, और प्लीज इस पे ध्यान दे दो अच्छे से, वो भी आ जाएगा, सब कुछ करवाऊंगा, टेंशन मत लो। RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उसके बाद आता है यहाँ पे लिखा हुआ है NEFT। NEFT क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये होता है चेक नंबर, यहाँ पे ये आपका, ये किसी का अकाउंट नंबर रहा होगा, यहाँ पे अपने नाम रुपीज लिखने होते हैं, यहाँ पे रुपीज आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास चेक नंबर, और ये होता है माइकर कोड, ये होता है माइकर कोड, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है ना, इसको बोला जाता है माइकर कोड। और माइकर की फुल फॉर्म लिखो, चलो एक बार, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, लिखो जरा शाबाश, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, गुड। चलो अब हम समझते हैं कि भाई, अब थोड़ा सा समझेंगे इसमें, वन सेकेंड, कि कौन कौन से और इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपको आपकी डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे हम बात करेंगे माइकर की ही, MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवा दी है। अब अगर मैं माइकर की बात करूं दोस्तों, तो इट इज एसोसिएटेड विद द बैंकिंग। ठीक है, इसका किसके साथ एसोसिएटेड है ये? एसोसिएटेड विद बैंकिंग। आपसे सवाल किस तरीके से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस, क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू वैलिडेट चेक्स इन बैंक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू वैलिडेट चेक इन बैंकिंग सिस्टम या बैंक्स, तो उसमें आपका आंसर क्या रहेगा? माइकर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। ठीक है जी, समझ गए बात को जी। तो क्वेश्चन आप लिख लो जो मैंने आपको कहा है, ये लिख लो, पेपर में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, और चेक को वैलिडेट करने के लिए, जो चेक्स होते हैं उनको वैलिडेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास इसमें आता है जी बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। अब ये बार कोड रीडर क्या होता है? कभी भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, है ना, किसी भी ग्रोसरी शॉप पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं ग्रोसरी शॉप, या फिर शॉपिंग मॉल, तो किसी भी ग्रोसरी शॉप पे, किसी भी शॉपिंग मॉल पे जब आप जाते हो, तो आपने देखा होगा कि जो पैसे कलेक्ट करने वाले होते हैं, जो मतलब कि वहां पे टेलर्स होते हैं, जो अकाउंट्स का देखते हैं, पैसों का काम देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा, वो ऐसे प्रोडक्ट को पकड़ेंगे और ऐसे उसके ऊपर एक गन की तरह रेड लाइट छोड़ेंगे। तो रेड लाइट जैसे ही वो मारते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर जो बार कोड होता है, जो इस तरीके से बार कोड आपने देखा होगा हर जगह लगा होता है, तो इस बार कोड को स्कैन करता है,
तो ये जो बार कोड होता है उसमें रेट वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन होता है, एक्सपायरी रेट बैच नंबर सब कुछ उसमें ऑलरेडी क्या होता है फीड होता है, तो वो कंप्यूटर तक इनपुट ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। तो जिसके थ्रू उन्होंने उस बार कोड को रीड करा है उसको बोला जाता है बार कोड रीडर, उसे हम क्या बोल देते हैं, बार कोड रीडर बोल देते हैं। तो आपसे सवाल कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड इन ग्रोसरी शॉप्स और शॉपिंग मॉल्स, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बार कोड रीडर रहेगा। उसका आंसर क्या रहेगा बच्चे, बार कोड रीडर रहेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास इसमें आ जाएगा OMR, तीसरे नंबर पे आएगा OMR। हाँ जी भाई मुझे बताना OMR का यूज कहां पे होता है, जल्दी से बताओ भाई OMR का यूज कहां पे होता है, जल्दी से शाबाश, OMR का यूज कहां पे होता है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना। हाँ जी बिल्कुल जी, आपसे सवाल यही पूछा जा सकता है, जो आप एग्जाम दोगे, आप जो एग्जाम देने वाले हो अभी, उसमें आप देखोगे कि जो ऑफलाइन पेपर होता है उनमें आपको एक शीट दी जाती है, तो क्वेश्चन जब हम मार्क करते हैं तो हम ऐसे सर्कल लगाते हैं, और जो शीट्स होती हैं वो ऐसा थोड़ी कि कोई पर्सन चेक कर रहा है, नहीं वो शीट सीधा स्कैन होंगी किसमें, OMR में, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, ठीक है। तो जितने सही है वो सही कर देगा, जितने गलत है वो गलत कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आपका OMR का यूज होता है इन एग्जाम्स, एग्जाम्स। तीस चौथे नंबर पे हमारे पास जो इनपुट डिवाइस आएगा उसको बोला जाएगा OCR, ऑप्टिकल करेक्टर करेक्टर रेकग्निशन, रेकग्निशन, ठीक है। सबके नीचे सबके साथ रेकग्निशन है, माइकर भी रेकग्निशन है, ये भी रेकग्निशन, ये भी रेकग्निशन, ठीक है। बार कोड रीडर है बस, ठीक है। पहले पहले ना इसको भी रीडर ही बोलते थे, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, अगर कोई रीडर भी बोले तो वो गलत नहीं है, वो पहले वाला बोल रहा है। आजकल इसको रेकग्निशन बोला जाता है, आजकल इसको रेकग्निशन बोला जाता है। अब इसका काम क्या होता है इसको समझना बड़े अच्छे तरीके से, कि जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, आपने क्या किया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने क्या कर लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो जब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो ये तो एक इमेज है, एक फोटो है, लेकिन आपको क्या चाहिए कि ये टेक्स्ट बन जाए ताकि आप इसको एडिट कर सको, है ना, टेक्स्ट बन जाए। तो इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कोई भी आपके पास, कोई आपके पास कोई फोटो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज किसका करते हैं, OCR का, ताकि फिर से उसको एडिट किया जा सके, ताकि उसको दोबारा एडिट किया जा सके। तो ये काम होता है हमारे पास OCR का, ठीक है। इमेज इमेज टू टेक्स्ट, इमेज टू टेक्स्ट। हाँ जी भाई लग गया, बताइए, कोई डिफरेंस नहीं है यार, पहले रीडर बोलते थे अब रेकग्निशन बोलते हैं, जैसे पहले मद्रास बोलते थे अब चेन्नई बोलते हैं, जैसे पहले बॉम्बे बोलते थे अब मुंबई बोलते हैं, बस यही है, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जैसे पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज है, बंदे वही हैं, काम करने वाले वही हैं, ठीक है, नाम बदल गया बस। चलो बच्चे अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल के टाइम पे ना QR कोड का बड़ा यूज हो रहा है, जो भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, स्कैन स्कैन वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उनमें QR कोड का बड़ा यूज हो रहा है। तो QR की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये होता है हमारे पास QR कोड। तो बताओ बच्चे सारा क्लियर है, चार चार ये जो पहले चार है ना, जो चार क्वेश्चंस हैं ऐसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, हालांकि बार कोड की कोई फुल फॉर्म तो है नहीं, फुल फॉर्म्स पता होना चाहिए, दूसरा कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलो भाई इतना हो गया हमारे पास, अब इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे खत्म है, जो मेन मेन इनपुट डिवाइसेस थे सारे बता दिए, अब माउस के बारे में थोड़ी बताऊंगा या कीबोर्ड के बारे में नहीं बात करेंगे, कीबोर्ड में मैं आपको MCQ करवाऊंगा कि टॉगल्स की किसे कहते हैं, फंक्शंस की कितनी होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं, ये मैं आपको MCQ की फॉर्म में बताऊंगा सारा, ठीक है, कीबोर्ड को जब हम पूरा तोड़ेंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, कोई मुझे बता सकता है
कि माउस का इन्वेंशन किसने किया था? हु इन्वेंटेड माउस? माउस किसने बनाया था, कोई बता सकता है भाई? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब नोट्स में आपको मिलेगा नहीं। हाँ जी, तो माउस की इन्वेंशन करी थी डगलस एंजलवर्ट ने। बिल्कुल जी, डगलस एंजलवर्ट, डगलस एंजलवर्ट। एक और सवाल पूछूंगा मैं, कल की क्लास में मैंने आपको आईसीज के बारे में पढ़ाया, मतलब लास्ट क्लास में आपको आईसीज के बारे में बताया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कोई बता सकता है कि जो आईसीज होते हैं वो कौन से मटेरियल से बनते हैं? जो आईसीज होते हैं वो कौन से मटेरियल से बनते हैं? हाँ जी, आईसी कौन से मटेरियल से बनते हैं जी? वेरी गुड, इसका आंसर रहेगा सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन नहीं होता, सिलिकॉन। ठीक है, ई नहीं आएगा एंड में, एस आई एल आई सी ओ एन, एस आई एल आई सी ओ एन। अच्छा ये आई है, ठीक है, इसको ज्यादा, ये आई है, ठीक है, सिलिकॉन। ठीक है, ये दो सवाल और हो गए। चलो भाई, अब हम चलेंगे आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस को। चलो तो बच्चे, जैसे इनपुट डिवाइस क्या करता था कि अगर हमें कंप्यूटर को कोई डेटा देना है तो हमें इनपुट डिवाइस चाहिए, ऐसे ही जब हमने डेटा दे दिया, कंप्यूटर क्या करेगा, सीपीयू के माध्यम से उस डेटा को प्रोसेस कर देगा। तो प्रोसेस करने के बाद हमें जो आउटपुट होगी वो कैसे दिखाएगा वो, है ना, हमें आउटपुट भी तो देगा ना वो। तो आउटपुट देने के लिए जो जो डिवाइसेस का वो यूज करता है उन्हें बोला जाता है बच्चे आउटपुट डिवाइसेस। उनको क्या बोला जाता है? आउटपुट डिवाइसेस। पहली और दूसरी जनरेशन में जो आउटपुट डिवाइसेस होते थे वो सिर्फ प्रिंटर्स रहते थे, वहां पे वो प्रिंट करके हमें आउटपुट दी जाती थी। लेकिन तीसरी जनरेशन में मॉनिटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, देर आर मैनी वेज नाउ करंट टाइम की जो हमें आउटपुट मिल जाती है। तो कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे आपकी आपका अपना सीआरटी मॉनिटर्स है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू तौर पर हम, मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे बना नहीं हुआ है क्योंकि आजकल यूज नहीं होते। एक होते हैं सीआरटी मॉनिटर, जो व्हाइट कलर के बड़े बड़े मॉनिटर होते थे ना, इतने लंबे लंबे पीछे, इतने लंबे लंबे चले जाते थे, वो होते थे सीआरटी मॉनिटर बोलते थे उनको। सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, तो इनको सीआरटी मॉनिटर कहा जाता है। इसके अलावा आपकी एलसीडी, एलईडी, आपके स्पीकर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, हेडफोन्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं जी? आउटपुट डिवाइस, जिनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जिनको आपसे इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और एक जरूरी सूचना, एक जरूरी नोट कि पेरिफेरल डिवाइसेस आप बहुत बार देखोगे लिखा हुआ, आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा और आने वाली क्लासेस में भी मैं कई बार कई डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस बोलूंगा। तो पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट डिवाइस भी हो सकता है, आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है। ऐसा कोई डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है हम उसको पेरिफेरल डिवाइस कह सकते हैं, हम उसको पेरिफेरल डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है जी, समझ गए जी बात को? ओ भाई कहाँ पहुंच गया एटीट्यूड, और रुक जा यार, नेटवर्किंग में करेंगे इसको, नेटवर्किंग तक का वेट कर लो, कट्टो कट्ट सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स बाद में देखेंगे। चलो नेक्स्ट देखो जी, यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे हमारे पास आईओ डिवाइसेस, नेक्स्ट आएंगे आईओ डिवाइसेस। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनको आपने समझना है, वो डिवाइसेस जो इनपुट भी ले लें आपसे और आपको आउटपुट भी दे दें, मतलब आपसे डेटा भी फीड करवा लें, आपको इंफॉर्मेशन भी दे दें। जैसे टच स्क्रीन पैनल होते हैं, टच स्क्रीन पैनल, जैसे अभी देखो मैं इनपुट दे रहा हूँ इनको, ये देखो ये मैंने इनपुट दी है और ये हमें आउटपुट भी तो दे रहा है, हमें दिखा भी तो रहा है कुछ। तो ये क्या है, हमारे पास आईओ डिवाइस है। इसके अलावा ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक मॉडम, ये मॉडम होता है, ठीक है, जो घरों में भी लगा होता है। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना,
और डीमोडुलेटर का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना। तो पहले ये कंप्यूटर को इनपुट भी देता है और कंप्यूटर से आउटपुट भी ले लेता है, तो दोनों काम करता है जी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये एक हमारे पास आईओ डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है जी। चलिए बच्चे, अब मुझे आपने एक एग्जाम्पल और देना है आईओ डिवाइस का, एक एग्जाम्पल और दो, तब तक मैं आपको भाई आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। क्या लिख रहे हो आप, मॉनिटर मॉनिटर टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन कहाँ मिलता है? जहाँ टेस्ट होता है उसके नीचे ही टेस्ट होता है भाई। आपको पंजाबी भी आती है? पंजाबी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है ब्रो। नेक्स्ट इज, आप डेली क्लासेस लेते हो क्या? अभी तो संडेज पर चल रही है, लेकिन टाइम टेबल के थ्रू हम पूरा ईपीएफओ की तैयारी करवा रहे हैं आपको। और क्या है, वन लास्ट एश्योरेंस आई नीड इज पीपल से इट टेक्स एयर टू क्लियर दिस एग्जाम एंड वी कांट कंप्लीट विद सिमिलर। ओ यार कहने दो लोगों को, क्या है यार, लोग किसी के बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। जिन्होंने ये चीज आपको बोली है, क्या वो क्या कर रहे हैं, बेले ही है ना, वो भी घर पे बेले बैठे हुए हैं ना, फ्री की रोटियां खा रहे हैं अभी तक, है ना। तो सलाह उसकी मानो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी जो ऑलरेडी या तो इस प्रोफेशन में या सक्सेसफुल है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम यार 21 साल के लड़के आईपीएस बन जाते हैं। अब देखते हो ना इंटरव्यूज, 20-21 साल के, उनसे कम उम्र तो नहीं है ना आपकी। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब क्या बनेगा। लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं, लास्ट में प्राइवेट नौकरी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता, है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस रह जाता है, जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, फिर उसके बाद नहीं एग्जाम होता। कई ऐसे होते हैं 6-6 महीने में बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर लेते हैं क्योंकि उनको गाइडेंस प्रॉपर मिलती है। बात यह है कि आप कंसिस्टेंट हो, अगर हो तो आपकी जॉब लग सकती है। कोई आपकी जॉब लगवा नहीं सकता, कोई आपको हटा नहीं सकता, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है तो इजीली कर लोगे। देखो सिलेबस है कितना, ये मैं आपको एक चीज बताऊं, जितना ईपीएफओ का सिलेबस है ना, जितना ईपीएफओ का एक सिलेबस है, फर्स्ट ईयर में ना उतनी सिर्फ फिजिक्स होती है। फर्स्ट ईयर में उतनी सिर्फ हम फिजिक्स ही पढ़ते हैं जितना पूरा का पूरा सिलेबस है आपका ईपीएफओ का। देखो कोई आप में से अगर कोई होगा ना, कोई जिसने फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसको पता होगा 3 बुक्स होती है इतनी इतनी मोटी, वेव्स की अलग है ना, वेव थ्योरी की अलग है, अलग अलग। जब मैथ ही देख लो, 3 तो मैथ की बुक्स होती है, अलजेब्रा अलग है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है, उसके बाद अपना कैलकुलस की बुक अलग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इतना कोई बड़ा सिलेबस नहीं है ये। अब देखो 2 महीने में तो हमने खत्म करवा दिया ऑलमोस्ट आपको सारा। देखो जो स्टाइलस होता है ना, स्टाइलस कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता। एक बच्चे ने पूछा है कि स्टाइलस और लाइट पेन में क्या डिफरेंस होता है। लाइट पेन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कंपैटिबल होता है, जो एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कंपैटिबल होता है। जैसे अगर आपके पास, आपने देखा होगा अभी फ्लिपकार्ट पे सर्च करना, एप्पल के पेन जो होते हैं लाइट पेन 8-8 हज़ार रुपये के हैं। ये जो स्टाइलस होता है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब जो काम ये कर रहा है ना, वही सेम काम जो मेरा एसी का रिमोट भी कर सकता है। ये देखो एसी के रिमोट से भी मैं अपना नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो मैंने लिख के दिखाता हूँ, ये देखो कोई इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी नहीं है, जो ये काम ये भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन लाइट पेन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मशीन के साथ उसका लिंक्ड नेटवर्क होता है, लिंक्ड होता है कि उसके अलावा कोई और उसके साथ नहीं चलेगा। ये डिफरेंस है बस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हम ये कह सकते हैं। चलो बच्चे, अब नेक्स्ट देखो, इसकी आपने कोई एग्जांपल मैंने पढ़ी नहीं है, पता नहीं किसने करी है कि नहीं, किसने आंसर दिया है कि नहीं। पेन ड्राइव क्या बात कर रहे हो, पेन ड्राइव इनपुट डिवाइस यार, वो तो मेमोरी मेमोरी है भाई वो। चलो मैं दे देता हूँ एक एग्जांपल आपको, डिजिटल कैमरा। शादी वगैरह में जब हम जाते हैं फोटोज खिंचवाते हैं ना, तो फोटो खिंचवाने के बाद क्या बोलते हैं हम कैमरामैन से, दिखाना है एक बार। तो पहले जब उसने फोटो खींची तो उसने इनपुट कर लिया है ना, डेटा ले लिया, फिर आप क्या बोलते हो, दिखाना है एक बार भाई। जब आप देखते हो तो आगे स्क्रीन भी लगी हुई है, तो वो आपको फोटो आपकी दिखा भी देता है। तो डिजिटल कैमरा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। देखो देर आर मैनी एग्जाम्पल, स्मार्ट स्पीकर जो आपकी इनपुट भी ले लेते हैं, है ना, जो आपकी वॉइस को सुन भी लेते हैं और आपको आउटपुट भी दे देते हैं। चलो बच्चे, अब नेक्स्ट देखो जी, अब हम प्रिंटर्स की बात करेंगे। ये यहाँ पे हम जितने भी हमने पढ़े हैं डिवाइसेस, वो सारे के सारे क्या है, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड, आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फॉर्म में, यानी कि सॉफ्ट कॉपी या सॉफ्ट फॉर्म में आपको
आउटपुट देते हैं। अगर मान लो वही आपको आउटपुट हार्ड कॉपी में चाहिए, मतलब पेपर में चाहिए, कोई भी आउटपुट अगर आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में चाहिए है ना, तो उस केस में आपको क्या चाहिए होगा? प्रिंटर्स। प्रिंटर्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बन जाए, चांसेस बहुत कम है कि सिर्फ प्रिंटर के ऊपर सवाल आए, लेकिन आ सकते हैं। इसमें बस आपको क्लासिफिकेशन देखनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, बस क्लासिफिकेशन देखनी है कि दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा इसका, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो पेपर के साथ टच करें, ठीक है, प्रिंट करते टाइम जो पेपर के साथ टच करता है उनको बोला जाता है इंपैक्ट प्रिंटर्स, और जो पेपर के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आते उनको बोला जाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। आज के टाइम पे जितने भी मॉडर्न प्रिंटर्स हैं, जितने भी मॉडर्न प्रिंटर्स हैं, वो सारे के सारे क्या है? नॉन इंपैक्ट है। चाहे चाहे वो इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर जहां पे छोटी छोटी दुकान जो होती है कैमरे वालों की, छोटी दुकानें होती हैं जो, उसमें उन्होंने जो प्रिंटर रखे होते हैं, आपने देखा होगा लिक्विड लिक्विड करके ना एक कलर जाते हैं उसमें, वो होते हैं इंकजेट। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जो हम अपने घरों पे भी रखते हैं, 10-10 हज़ार रुपए के जो आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्मल प्रिंटर। ये तीनों क्या है हमारे पास जी? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स है। थर्मल प्रिंटर जो बड़े बड़े प्रिंटर रखे होते हैं जो फटाफट कॉपीज निकालते रहते हैं, वो होते हैं थर्मल प्रिंटर। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपैक्ट प्रिंटर्स में आपके पास चार एग्जाम्पल्स है, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। तो आपने याद क्या रखना है? आपने नॉन इंपैक्ट याद रखना है क्योंकि पेपर में यही आएंगे ज्यादा। और लेजर प्रिंटर को बोला जाता है मोस्ट एडवांस्ड प्रिंटर। मोस्ट एडवांस्ड प्रिंटर बोला जाता है किसको? लेजर प्रिंटर को। लेजर प्रिंटर को बोला जाता है जी मोस्ट एडवांस्ड प्रिंटर। इसके अलावा अब नेक्स्ट एक चीज और देखेंगे हम, तीसरे नंबर पे एक चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्लॉटर। पहले तो ये बताओ आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्लॉटर को देखा है, जिन्होंने प्लॉटर्स को देखा है, कितने स्टूडेंट हैं भाई आप में से? फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज प्लॉटर, मोस्ट एडवांस्ड प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। देखा हुआ है कि उन्होंने देखा भाई क्या होता है? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि नहीं ना ही बताओ, लेकिन देखा होगा। पता कैसे? कभी भी कोई बैनर आपने प्रिंट करवाना है, बड़े बड़े बैनर्स आप देखते हो ना, होर्डिंग्स बड़ी बड़ी देखते हो, आपने प्रिंट करवानी है ना, और वो आप देखोगे कि वो होर्डिंग्स भी क्या होती है, एचडी में होती है। एचडी मतलब हाई डेफिनेशन में होती है। वैसे इसके लिए जो प्रॉपर टर्म होती है वो होती है बीएमपी। बीएमपी मतलब बिट मैप फोटो या फिर बिट मैप इमेजेस, जो पी है, ठीक है। तो जितनी भी बिट मैप फोटोज होती हैं जिनको हम हाई डेफिनेशन फोटोज कहते हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं, उनका प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर्स का यूज नहीं होता, उनका प्रिंट निकालने के लिए यूज किया जाता है प्लॉटर्स का। उनका प्रिंट निकालने के लिए यूज किया जाता है प्लॉटर्स का। क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि बैनर्स या होर्डिंग्स को, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स को प्रिंट करने के लिए, हाई डेफिनेशन में प्रिंट करने के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज किया जाता है? आंसर आएगा हमारे पास प्लॉटर। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लॉटर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, फ्लेक्स प्रिंटर। फ्लेक्स प्रिंटर बिल्कुल जी, फ्लेक्सिस हैं। फ्लेक्स को अगर प्रिंट करना, उसके लिए भी प्लॉटर की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी जरूरत। आपको मैं इसकी फोटो दिखा देता हूँ, एक बार मैंने रखी हुई थी पहले भी ये, यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा, ये देखो, ये है प्लॉटर। इस तरीके से होता है, ऐसे लंबा सा होता है बिल्कुल। अब ये साइज इसका एडजस्टेबल होता है, जितना बड़ा पोस्टर निकालना उस हिसाब से आपको बड़े बड़े प्लॉटर जो है मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये होता है प्लॉटर। तो आई होप अब आपको आउटपुट डिवाइसेस का भी पता चल गया होगा। बाकी ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स का मैंने लिखा हुआ है सारा, वही है, कॉन्टैक्ट विद एन इंक रिबन विद द पेपर, इंपैक्ट प्रिंटर हो गए। डज नॉट इंपैक्ट अ रिबन विद द प्रिंट, ये हो गए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इनको एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है, अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आएगा हमारे पास अब कंप्यूटर मेमोरी। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा है? हमने डिस्कस करे हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सीपीयू क्या है और मदरबोर्ड क्या है। तो कुछ इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या यहां तक आप सभी को समझ आ गया जी? देखो फ्लेक्स प्रिंटर्स का काम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा काम होता है। सिर्फ इलेक्शन में जरूरत नहीं होती, किसी ने अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई दुकान है, इवन कोई दुकान वाला भी है,
तो उसको भी तो चाहिए होगी ना, जिसपे वो बड़े बड़ा लिखेगा दुकान का, इतने आप होर्डिंग्स देखते हो, सारा फ्लेक्स का ये काम, सारा का सारा उसका ये। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। जैसे कि हमने कंप्यूटर को डेटा दिया, कंप्यूटर ने डेटा को प्रोसेस किया और हमें दी आउटपुट, तो ये जो डेटा हमने दिया और उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी भी तो चाहिए होगी ना। या फिर कल को आपने कोई वीडियो डाउनलोड करी है, आपने कोई मूवी डाउनलोड कर ली, आपने कोई वीडियो गेम डाउनलोड कर ली, इसको स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मेमोरी चाहिए होगी। तो उस मेमोरी के लिए अलग अलग डिवाइसेस आते हैं, अलग अलग तरह की मेमोरी होती है, वो सारी हम अब की क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन के साथ चलेंगे। अब भाई एक चीज याद रखना कि सिर्फ रैम रोम और अपना हार्ड डिस्क की मेमोरी नहीं होती, बहुत तरह की मेमोरीज होती हैं। तो आराम से पढ़ना कि कैसे कैसे मैंने क्लासिफाई किया है इसको। तो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, द मेमोरी जस्ट अ ह्यूमन ब्रेन, जैसे इंसान का दिमाग है वैसे ही कंप्यूटर के लिए मेमोरी है, याद रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी पढ़ लेना, वही है डेटा को स्टोर करने के लिए ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ बेसिक मटेरियल्स होते हैं मेमोरी को बनाने के लिए। जैसे सबसे पहले आती है सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी जिसको डाइट्स भी कहा जाता है, DIODE। अब थोड़ा और डीप में पढ़ोगे जब आप, तो इसमें NPN डाइट्स आते हैं, PNP डाइट्स आते हैं, तो इतना क्लासिफाई करने की हमें जरूरत नहीं है, हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपका कोई टेक्निकल सब्जेक्ट होता तो फिर मैं आपको ये चीज भी बताता कि NPN डाइट्स क्या होते हैं और PNP डाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो बच्चे, अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करें तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम है, फ्लैश मेमोरी है, ये सारी की सारी क्या होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है। टेंशन मत लेना, ये सारी बताऊंगा आपको मैं कि फ्लैश मेमोरी क्या है, ईप्रोम क्या है, रोम रैम क्या है, सारा एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास मैग्नेटिक मेमोरी, सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स। जो हमारी मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं, फ्लॉपी डिस्क होती हैं, उन सबको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मेमोरीज बोला जाता है। फिर आता है ऑप्टिकल मेमोरी, जिसको हम कंप्यूटर की डिस्क बोल सकते हैं, DVD वगैरह, ब्लू रे डिस्क बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हम CDs लेके आते थे घरों पे, जो गोल गोल CDs होती हैं जो हम लेके आते हैं, तो वो ऑप्टिकल होती हैं, वो मैग्नेटिक नहीं होती, टूट जाती है ना, मैग्नेटिक नहीं है। तो मैग्नेटिक डिस्क भी होती है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क वगैरह है, फ्लॉपी डिस्क है, या फिर मैग्नेटिक टेप्स है, ये सारी मैग्नेटिक है। और जो हम यूज करते हैं, जो हम CDs लेके जाते थे, वो ऑप्टिकल थी, सारी ऑप्टिकल ऑप्टिकल मेमोरी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज टाइप मेमोरी प्राइमरी दे आर थ्री टाइप्स। अगर मैं स्टोरेज की बात करूं या टाइप्स की बात करूं, तो कंप्यूटर मेमोरीज तीन तरह की होती हैं। ये तो ब्रॉड बेसिस पे मैंने आपको बता दिया ना, कि ब्रॉड बेसिस पे कि मटेरियल के हिसाब से कौन तीन तरह के क्लासिफिकेशन करी है, कि अगर सेमीकंडक्टर मेमोरी है तो कैसे होगी, मैग्नेटिक मेमोरी है तो कैसे होगी, ऑप्टिकल मेमोरी है तो कैसे होगी, मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की स्टोरेज के टाइप के माध्यम से कि कितने तरह के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कैशे मेमोरी की, तो कैशे मेमोरी होती है एक, एक होती है प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं कंप्यूटर की, जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये तीन तरह की मेमोरी है, बस इनको ना अब अच्छे तरीके से निचोड़ देना, हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज है तो वो क्यों है, क्योंकि ये तीनों चीजें कंप्यूटर का पार्ट है। तो अगर कंप्यूटर का पार्ट है तो कंप्यूटर का जरूरत भी रही होगी, तभी तो है उसमें, तो क्यों जरूरत पड़ी कंप्यूटर को इन मेमोरीज की, उसके बारे में हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये देखो ये आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन, एक एक करके सारी पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहां पे बस मैं लिख देता हूं, यहां पे कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी। ठीक है, तो चलो इसको बाद में देखेंगे, कैशे मेमोरी को बाद में देखेंगे, पहले हम बात करेंगे जी प्राइमरी मेमोरी की, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसको हम क्या बोल देते हैं जी, मेन मेमोरी। ठीक है जी, तो भाई मेन मेमोरी इसको क्यों बोला जाता है, इसको समझना थोड़ा सा। कंप्यूटर को काम करने के लिए जिस मेमोरी की जरूरत होती है उसको बोला जाता है मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी का मतलब वो होता है कि भाई इसके बिना नहीं कुछ भी होगा, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसमें दो क्लासिफिकेशन है, एक मेरे पास आएगा रैम और एक मेरे पास आएगा रोम। तो पहले रैम को समझेंगे फिर रोम को समझेंगे। ठीक है, पहले हम समझेंगे रैम को कि रैम क्या होती है, फिर हम देखेंगे रोम को। रैम की अगर हम बात करें, फुल फॉर्म होती है रैंडम
एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो मेमोरी होती है इसको बोला जाता है वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हम कई बार हम भी ये चीज नोटिस करते हैं कि मान लो अगर आप जैसे मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूं, कोई पर्सन है उसने कहा ये काम कर दे, मैं वो काम करने लग गया, फिर एक पर्सन है उसने कहा ये वाला काम भी कर दो, चार पांच काम इकट्ठे हो गए, तो हम क्या बोलते हैं, यार दिमाग खराब मत करो, रुक जाओ एक एक करके करूंगा, है ना। एक एक करके क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हम 10 12 15 काम एक साथ कर ले, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी वर्किंग मेमोरी क्या है, कम है, हमारी वर्किंग मेमोरी क्या है, कम है, हम इतने काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी रैम, हमारे जो ये वाला ब्रेन है ना, ये वाली जो मेमोरी है इसकी रैम क्या है, कम है। कभी आपने देखा होगा कि पबजी खेलते टाइम ज्यादातर मैं देखता हूँ जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है ना, वो यही बोलते हैं कि पबजी खेलते टाइम कंप्यूटर हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है, या कभी भी आपका डिवाइस अगर हैंग हो रहा है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, रैम, कि रैम कम है। क्योंकि रैम क्या होती है, वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने ओपन करा है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने ओपन करा है, तो वो उसको किस मेमोरी का यूज हो कर रहा है, वो रैम का यूज कर रहा है। तो जितनी ज्यादा आपकी रैम होगी उतना ही स्मूथली आपका कंप्यूटर जो है वो काम करेगा, उतना ही स्मूथली आपका कंप्यूटर जो है वो काम करेगा। और ये जो मेमोरी होती है, ये होती है जी वोलाटाइल, इसे कहा जाता है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब होता है जो परमानेंट ना हो, नॉन परमानेंट कह सकते हो, नॉन परमानेंट कह सकते हो, या फिर परमानेंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। ये चीज समझ लेना, ठीक है। रैम को बोला जाता है टेम्परेरी मेमोरी, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, वोलाटाइल या नॉन परमानेंट मेमोरी। ठीक है, मतलब जब तक कंप्यूटर आपका चल रहा है, जब तक आप उस पर काम कर रहे हो, तब तक तो ये है। जैसे ही आपने काम खत्म करके कंप्यूटर को शट डाउन करा, जितना भी डेटा रैम में स्टोर था वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा, वो डेटा सारा का सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जी रैम। बताओ रैम समझ आई सभी को, बेसिक मीनिंग समझ आया सभी को? हाँ जी, बेसिक मीनिंग समझ आया आप सभी को जी? चलो अब इसी के साथ फिर मैं आपको कैशे मेमोरी भी समझा देता हूं, क्योंकि कैशे मेमोरी समहाउ कनेक्टेड विद रैम। तो दोस्तों अगर मैं कैशे मेमोरी की बात करता हूं, तो कैशे मेमोरी होती क्या है पहले ये समझना है आपने, ठीक है। इट कॉम्प्लीमेंट रैम, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि ये लिखा जो है इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपके ऊपर वर्कलोड क्या है, बहुत ज्यादा है। आप मान लो आपका नाम क्या है, राम है, आपका नाम क्या है, राम है, और राम के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वो ये काम भी कर रहा है, वो काम भी कर रहा है। तो क्या हुआ कि उसका एक दोस्त आया जिसका नाम था, नाम क्या था, कैशे। उसके पास उसका नाम क्या था, कैशे। उसने कहा राम ऐसा करो, थोड़ा काम मैं कर देता हूँ तुम्हारा, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, अगर तुम्हारे ऊपर ओवरवर्डन है तो तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी कभी रैम हमारी फुल हो जाती है कंप्यूटर के हैंग होने से पहले, जब कंप्यूटर के जब रैम जो है हमारी फुल हो जाती है, तो इसका साथ निभाने के लिए आती है कैशे मेमोरी, इसका साथ देने के लिए आती है हमारे पास कैशे मेमोरी, ये इसकी दोस्त है। बट बात वही है ना कि काम किसका होता है, रैम का, कैशे मेमोरी सिर्फ इसको सपोर्ट करती है। तो जो कैशे मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज बहुत कम होती है, इसकी स्टोरेज जो है वो 8 KB टू 128 KB तक रहती है, मतलब ये इतना की सपोर्ट करेगी, मतलब दोस्त तो है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि मर मिट जाए इसके ऊपर, ठीक है। जितना ये कर सकती है उतना करेगी, जब ये भी क्रॉस हो जाएगा तो कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाएगा। पहला काम तो ये होगा हमारे पास कैशे मेमोरी का, कि ये सपोर्ट करती है किसको, रैम को। दूसरा सवाल क्या होता है हमारे पास, दूसरा काम क्या होता है कैशे मेमोरी का, इसका एक इंडिपेंडेंट काम भी होता है। कभी आपने देखा होगा कि आपने कंप्यूटर को ऑन किया और आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया, आपने कंप्यूटर को ऑन किया और एमएस वर्ड को ओपन कर लिया, पहली बार जब आप ओपन करोगे तो ओपन होने में, फाइल को ओपन होने में टाइम लगेगा,
लेकिन अगर आप बंद करके दोबारा ओपन करोगे तो पहले से कम समय लगेगा, है ना। कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, जब आप पहले ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है पहली बार टाइम लगे, लेकिन जब दूसरी बार बंद करके दूसरी बार ओपन करोगे तो फिर समय कम लगेगा आपको, मतलब फटाफट ओपन हो जाएगा। तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके पीछे भी कैशे मेमोरी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि कैशे मेमोरी क्या करती है, जो आपका वो बिहेवियर होता है ना, किसी भी यूजर का कंप्यूटर को चलाने का जो बिहेवियर होता है उसको स्टोर करती है, उसको वो स्टोर करती है। समझ आ रहा है कि नहीं बात को? बात की गहराई समझ पा रहे हो? वो सिर्फ बिहेवियर देखती है कि वो क्या कर रहा है। अगर आपने एक चीज कंप्यूटर को स्टार्ट किया और एक चीज अगर आपने ओपन करी, अगर आपने दूसरी बार ओपन करनी है तो कैशे मेमोरी में वो डेटा स्टोर होगा कि भाई इसने ये पहले भी ओपन करा था, फटाफट ओपन कर दो, है ना, फटाफट ओपन कर दो। तो ये भी क्या होती है बच्चे? वोलाटाइल। ऑब्वियसली यार वोलाटाइल ही होगी, एक बार कंप्यूटर बंद हुआ जब भी खत्म, ठीक है। इसीलिए तो रैम के साथ करवा रहा हूं आपको। तो बताओ मुझे, कैशे मेमोरी का समझ आ गया, रैम का समझ आ गया? हाँ जी, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे कि रैम कितनी तरह की होती है। बच्चे दो तरह की रैम होती है हमारे पास, रैम भी आगे दो तरह की होती है। एक होती है जी डी रैम, एक होती है एस रैम, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है? डायनामिक। और एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। डी का मतलब होता है डायनामिक रैम, एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम, ठीक है। आपको मैं इसकी लाइव एग्जांपल भी दूंगा एक, डोंट वरी, टेंशन मत लो। तो डायनामिक रैम क्या होती है भाई? इसको बोला जाता है ऑफ चिप मेमोरी। ऑफ चिप मेमोरी मतलब ये चिप से कहीं दूर लगी होती है, जो कंप्यूटर की जो सीपीयू होता है उससे अगर दूर हो उसे बोला जाता है ऑफ चिप मेमोरी। ये होती है ऑन चिप मेमोरी, ये चिप के ऊपर ही लगी होती है, ऑन चिप मेमोरी होती है। दूसरा, इसको क्या चाहिए? टाइम टू टाइम इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब आप नहीं करोगे अपने आप ही हो जाती है। इसको टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है, रिफ्रेश करना पड़ता है, पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। इसको रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डी रैम की बात करें तो इट इज स्लोअर एज कंपेयर टू एस रैम। एस रैम और एस रैम क्या होती है? फास्टर होती है, ठीक है। एस रैम जो है वो तेज होती है, जल्दी काम करती है, जो डी रैम होती है वो स्लो काम करती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सीपीयू से दूर है, ऑफ चिप है, और दूसरा इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है काम करने के लिए, बार बार इसको रिफ्रेश होना पड़ता है। जैसे देखो दो इंप्लॉइज आपने रखे, एक इंप्लॉय क्या है कि इसको बस एक बार काम दिया, उसके बाद इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली करता रहेगा, ये अपने आप काम, इसको पता है इसके काम का, इसको किसी टोकने की रोकने की जरूरत नहीं है, ये अपना काम खुद करता रहेगा। डी रैम ऐसा नहीं है, इसको बार बार आके बोलना पड़ेगा, असेंबली करनी पड़ेगी, भाई कर ले काम, कर ले खत्म भाई कर ले, है ना। बार बार क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा। रीजन क्या है इनके पीछे का? क्योंकि ये बैठा हुआ ऑफिस में, ऑन चिप मेमोरी है, सीपीयू के पास है, ये बैठा हुआ वर्क फ्रॉम होम पे, तो ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर होता है ना, यही होता है, बार बार बोलना पड़ता है यार कर ले काम, है ना। वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है, तो बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे जो बंदा यहाँ ऑफिस में काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, तो वो महंगा भी तो होगा ना, तो ये एक्सपेंसिव भी होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, और ये चीपर है, ये सस्ती भी है। तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा इसमें, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो आई होप ये दोनों रैम्स के बीच का डिफरेंस भी पता चल गया होगा। डायनामिक रैम जो दूर बैठी हुई है, सीपीयू से दूर है, तो ऑब्वियसली इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी और ये स्लोअर रहेगी। जो स्टैटिक रैम है वो ऑन चिप मेमोरी है, सीपीयू के पास ही लगी हुई है, जिसकी स्पीड ज्यादा है और ये महंगी भी है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देने वाला हूँ आपको, रियल टाइम मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक तो एप्पल के मोबाइल की, इधर रखता हूँ एप्पल का मोबाइल, और एक तरफ मैं रख देता हूँ कोई अदर मोबाइल, है ना, कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल। अब देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक मेरे पास एंड्रॉइड का मोबाइल है जिसकी 4 GB रैम है, और एक मेरे पास एप्पल का मोबाइल है इसकी 4 GB रैम है, स्पीड में डिफरेंस आपको दिख जाता होगा। अगर कोई आपका ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसके पास, जिसने एप्पल भी यूज किया हो, आपने एंड्रॉइड भी अगर यूज किया हो, तो वो बता सकता है कि दोनों में से तेज कौन चलेगा, हु वर्क्स फास्टर। हाँ जी बताइए भाई,
एप्पल ज्यादा अच्छे से काम करता है ना, करता है ना। मैं कह रहा हूँ एप्पल अगर 2 GB भी है ना, वो भी 4 GB से बढ़िया है, वो भी 4 GB से बढ़िया है। आजकल जो अपना जो आई थिंक 14 Pro Max भी है, उसमें भी 12 GB की रैम है, उसमें 12 GB की रैम। और जो मेरे पास मोबाइल है उसमें भी 12 GB की रैम है। बट ये मेरे ख्याल से iPhone 14 क्या, ये iPhone 10 के बराबर का भी नहीं है, जिसमें 3-4 GB रैम हुआ करती थी, ठीक है ना। हाँ दो देखो iPhone XR की बात करते हैं, 3 GB रैम है ना, आई थिंक 3 या 4 GB होगी, बट स्टिल इट इज बेटर देन 12 GB रैम मोबाइल। 12 GB रैम वाले मोबाइल से भी अच्छा है वो, ठीक है ना। 12 GB की रैम वाले मोबाइल से भी अच्छा चलता है वो, ठीक है जी। इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई एप्पल के जो एप्पल कंपनी है ना, वो यूज करती है SRAM का, स्टैटिक रैम का यूज करती है, और जो अदर कंपनीज हैं वो डायनामिक रैम का यूज करती हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी है ना इसको, कॉस्ट का कोई चक्कर नहीं है। इसको पता है कि इसके जो चलाने वाले हैं उनके पास पैसा बहुत है, पैसा खर्च देंगे उनके, इनको सिर्फ क्वालिटी से मतलब है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, बाकी ज्यादा डिजाइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, सेम सेम ही बिक जाएगा अगले साल फिर से, है ना। तो ये चीज है इनका, इधर क्या है, इधर बहुत कुछ करना पड़ता है, ये टेक्नोलॉजी पे ज्यादा खर्चा नहीं करते, लेकिन ये डिजाइन चेंज करते रहेंगे, कैमरा बढ़ा दिया, मतलब दिखाने वाली चीजें बढ़ा दी सारी, ये वो काम नहीं है, इंटरनल काम बहुत ज्यादा करते हैं, बस यही डिफरेंस होता है इसका, ठीक है, डी रैम और SRAM का, ठीक है। चलो बच्चे, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि रैम क्या होता है, रैम की टाइप्स आपको क्लियर होगी होंगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रोम, ठीक है। रैम क्लियर हो गया ना ये, कि रैम क्या होता है, डी रैम SRAM ये सारा समझ आ गया। अब हम देखेंगे रोम को, और रोम्स की सारी टाइप्स भी पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टाइम बहुत है हमारे पास, टाइम बहुत है हमारे पास, ठीक है। अब देखो बच्चे, रोम की अगर मैं बात करूं तो रोम क्या होता है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होता है जी, रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। एक बार जो इस पे लिख दिया वो पत्थर पे लकीर है, इसको दोबारा आप रीड और दोबारा आप राइट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप एक बार स्टोर हो गया बस वही है। अब ये होती कहाँ पे है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी का पार्ट है, तो होती कहाँ पे है। जैसे रैम क्या थी, वर्किंग मेमोरी, कि जो हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे उसको काम करने के लिए जिस मेमोरी की आवश्यकता है उसको बोला जाता था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बट अगर मैं बात करूं रोम की, तो रोम बोला जाता है, देखो स्टार्टअप मेमोरी बोलते हैं इसको हम, स्टार्टअप मेमोरी। स्टार्टअप मेमोरी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है ना, तो स्टार्ट करने के लिए जिस मेमोरी की आवश्यकता है उसको कहा जाता है रोम। बिना रोम के कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। काम करने के लिए पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, रोम चाहिए। तो इसके अंदर जो प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, है ना, हमने बटन दबाया, पहले कंपनी का नाम, थोड़ी सी प्रोसेसिंग, फिर विंडो आती है और कंप्यूटर स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में कंपनी का नाम आया, अब जिस कंपनी का कंप्यूटर है उसी कंपनी का नाम आता है। कभी ऐसा हुआ कि आपके पास डेल का लैपटॉप है और लिनोवो लिखा हुआ है, ये HP लिखा हुआ है, कभी नहीं ऐसा होता। आप आज स्टार्ट करो, चाहे उस कंप्यूटर को 10 साल बाद स्टार्ट करियो, उसके ऊपर डेल ही लिखा आएगा। मतलब स्टार्ट करने के लिए जो डेटा फीड हो रखा है, ये जो BIOS का डेटा बोलते हैं उसको, BIOS बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो डेटा होता है, जो BIOS का जो प्रोग्राम होता है, ये होता है हमारे पास रोम में इंस्टॉल, ठीक है। और ये जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो ही इंस्टॉल करके देता है, आप दोबारा इसको डिलीट करके रीराइट नहीं कर सकते। ये होती है हमारे पास रोम, ठीक है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जिस मेमोरी की आवश्यकता है उसको बोला जाता है रोम, इसीलिए इसको मेन मेमोरी कहा जाता है। हाँ जी बच्चे, बोला आप सबको समझ आया। हाँ जी भाई, समझ आ गया आप सबको।
ठीक है। नहीं, पार्टीशन कुछ नहीं होती, एक ही तरह का होगा, जैस रैम होगा या डी रैम होगा। और जो स्टैटिक रैम होती है उसको निकालोगे थोड़ी आप, ऑफ चिप जो होगी उसी को ही चेंज करोगे ना आप। ठीक है चलो भाई, बाकी मैं देख पा रहा हूँ यार। देखो कम से कम बदतमीजी पे तो मत उतर के आओ यार, कहीं मैं देख रहा हूँ गलत, ऐसे गलत मैसेज कर रहे हो। ठीक है, ऐसे लड़कियों का नाम लेके ऐसे मैसेज मत किया करो। ठीक है, अपना करेक्टर ऐसा ही रखो, लड़कियों के साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा आप चाहते हो कि आपकी बहनों के साथ बाकी लड़के करें। एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, जो समाज होता है ना, गंदा है समाज, अच्छा है, जो समाज हम ही बनाते हैं, जैसा हम किसी दूसरे की बहन के साथ बिहेव करेंगे वही आपकी बहन के साथ भी वैसा ही बिहेव करेगा। तो फिर इसको थोड़ा समझो, है ना। तो रिक्वेस्ट ही करूंगा इसमें तो, ये तो ऑब्लिगेशन है, ये तो आपके माँ बाप के संस्कार ही हैं, ये तो कोई आपको सिखा नहीं सकता, है ना। कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत ही रख लो, जब वो इस लायक ही नहीं थे कि आपको ऐसे संस्कार दे सके। हैं, चलो नेक्स्ट देखो। रोम हमने पढ़ लिया, बैरी मतलब कि इतना ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है ना देख के, मैं क्या करूं, मैं अब समझ नहीं आती क्या है, कहाँ जाओगे आप, है ना। और आपके जैसे लोग हैं बाद में कल को कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाके बोलते हैं कि इंडिया बहुत गंदा है, इंडिया बहुत गंदा है। अरे गंदे तो आप लोगों ने मचा रखा है यार, इंडिया थोड़ी गंदा है, इंडिया के लोग गंदे हैं आपके जैसे जो ऐसे कांड करते हैं। चलो रोम का हमें पता चल चुका है, अब हम पढ़ेंगे रोम के आगे क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई एक कंपनी थी, वो क्या करती थी, एक कंपनी थी ना वो क्या करती थी यहाँ पे, कि भाई रोम के अंदर अपना सिस्टम डाल देती थी, प्रोग्रामिंग कर देती थी, हर बार ऐसे कंप्यूटर स्टार्ट हो रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवोल्व हुई तो वैसे वैसे क्या हुआ, जरूरत पड़नी शुरू हो चुकी है यहाँ पे अब प्रोम की। पहली बार आई प्रोम, प्रोम इंट्रोड्यूस करी गई थी रोम के बाद। और प्रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें क्या होता था कि ये जो रोम की चिप होती है ये खाली आएगी, इसमें कुछ भी प्रोग्राम पहले नहीं होगा, ये यूजर को दे दी जाएगी और यूजर अपनी मर्जी के साथ, इस रोम को प्रोग्राम कर सकता है। मतलब आपको खाली मिलेगी और आप खुद से इसको प्रोग्राम कर सकते हो। तो आपने डेल लिखना है, लिनोवो लिखना है, या फिर अपना नाम लिखना है, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये प्रोम थी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बट इसमें इसकी एक डिसएडवांटेज थी कि अगर आपने एक बार प्रोग्राम कर लिया, मान लो मैंने क्या किया कि इस रोम की प्रोग्रामिंग कैसे की है, कि जब मैं अपना कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा तो मेरा नाम लिख के आएगा। मान लो मैंने क्या लिखा कि संदीप लिख के आना चाहिए भाई अगली बार। ठीक है, ऐसे मतलब सेवन कलर्स आए और आगे मेरा नाम लिख जाए संदीप, सेवन सेवन ही डिजिट है यहाँ पे, सॉरी सेवन ही अल्फाबेट्स हैं, तो सेवन कलर्स आ जाए टोटल, बिबग्योर बन जाए पूरा। ठीक है, बट हुआ क्या कि एक बार मैंने जब प्रोग्राम कर दिया तो ये दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो अभी तो कंप्यूटर मेरे पास है तो मेरा नाम आ रहा है, लेकिन मान लो कल को मेरा छोटा भाई मुझे कहे कि भैया मेरा नाम लिख दो, तो फिर इसको तो मैं रीराइट कर ही नहीं सकता, इसको इरेज ही नहीं कर सकता। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आई थी हमारे पास ई प्रोम। फिर दूसरे नंबर पे आती है ई प्रोम। EEPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें क्या हुआ कि मैंने एक बार अपना नाम लिखा था और मेरा छोटा भाई आया और उसने कहा कि भैया ऐसा करो संदीप मत लिखो, अब आप मेरा नाम लिखो, उसने कहा कि अनीश लिखो अभी सबकी बार यहाँ पे, और कैपिटल्स में लिखना, ठीक है, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो तो संदीप ना लिखा है, अब की बार अनीश आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर देंगे, ई प्रोम है ना हमारे पास, इरेजेबल भी है। तो क्या हुआ, मैं क्या करूंगा, ई प्रोम को सूरज के बीच रख दूंगा, मतलब धूप में रख दूंगा, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज की बात हो रही है यहाँ पे, यूवी रेज। मैंने इसीलिए कहा है, सूरज में मैंने सुखाने पे रख दी, धूप में रख दी, धूप में क्या होता है यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है। तो जब मैं इसके ऊपर यूवी रेज मारूंगा तो उससे क्या होगा कि ये इरेज हो जाएगी, मतलब जो मैंने प्रोग्रामिंग करी है वो इरेज हो जाएगी। तो जब एक बार इरेज हो जाएगी तो इसको मैं दोबारा प्रोग्राम कर लूंगा, ठीक है। बट हुआ क्या
कि इसको इरेज करने में, इसको मिटाने में, प्रोग्रामिंग इसको इरेज करने में 8 से 9 घंटे का समय लग रहा है, क्योंकि यूवी रेज है ना धीरे धीरे काम करेंगी, तो बहुत ज्यादा समय लग रहा था। तो भाई ये तो छोटा बच्चा है, ये तो आज कह रहा है कि अनीश लिखो, कल को कहेगा कुछ और लिखो, कि अपने किसी दोस्त का नाम लिखवा देगा उसको इम्प्रेस करने के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है ना, मैं 8 8 9 9 घंटे थोड़ी वेट करूंगा। तो टेक्नोलॉजी और इवॉल्व हुई। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आ गया हमारे पास, ई प्रॉम। ई प्रॉम एक नई चीज और आ गई फिर। और ई प्रॉम क्या थी, इलेक्ट्रिकली। ई का पहले, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली, क्योंकि बच्चे ना इलेक्ट्रॉनिकली बोल देते हैं कई बार इसको, तो इलेक्ट्रिकली। ई से इरेजेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अब की बार जब ये चीज आई ना, तो फिर क्या हुआ कि अगर मुझे फिर से रीप्रोग्राम लिखना है, मान लो अनीश की जगह पे मुझे दुबे लिखना है, सिर्फ मुझे सिर्फ दुबे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास जो ई प्रॉम होगी, ये जो ई प्रॉम होगी, मैं क्या करूंगा इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करूंगा। और जब मैं इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करूंगा तो क्या होगा, ये इरेज हो जाएगी और इसको मैं फिर से प्रोग्राम कर सकता हूं, और ये सेकंड्स में हो जाएगा। जिसको पहले लग रहे थे 8 9 घंटे, अब वो सेकंड्स में हो रहा है। ठीक है, तो भाई देखो चार तरीके हैं। पहले रोम है, जो कंपनी खुद प्रोग्राम करके देती है। फिर आया प्रॉम, जिसमें खाली दे दिया आपको, आपने खुद प्रोग्राम कर लिया लेकिन बाद में इरेज नहीं कर पाए। फिर आई प्रॉम, कि आपने एक बार प्रोग्राम किया था, आपने यूवी रेज की मदद से इसको इरेज किया 8 9 घंटे लगा के, और फिर से प्रोग्राम कर लिया। और तीसरा क्या था, ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट करंट पास किया और सेकंड में ये सारा इरेज हो गया और आपने फिर से इसको प्रोग्राम कर लिया। तो ये सारी कैटेगरीज हैं हमारे पास प्रॉम की, रीड ओनली मेमोरी की। हाँ जी बच्चे बताइए, समझ आया सभी को? फोटो खींच लो, फिर पहले फोटो खींच लो, बाकी का बाद में। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी भाई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो चलो भाई, नेक्स्ट देखिए। अब अभी तक हमने क्या देख लिया है भाई, यहाँ पे आफ्टर ब्लॉकिंग 3 पीपल, मैंने अब और क्या करना है देख लो। हमारा रैम हो चुका है, रोम हो चुका है, यहाँ पे ना ई प्रोम होगा, ये पी होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी पी होगा। ठीक है, अब आएगी हमारे पास मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। अब मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी का मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लो, जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कैशे मेमोरी क्या होती है, इट इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप सीपीयू, जो सीपीयू को स्पीड अप करती है। फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर के बाद, ठीक है, रजिस्टर के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है उसे बोला जाता है कैशे मेमोरी। फिर आता है हमारा रैम रोम, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरीज आ जाती है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई। अरे गुस्सा नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा गुस्सा मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप खुद देखो ना, आप ठीक कर रहे हो। आप ये बताओ, अगर आपको लगता है ना जस्टिफाइड है, अगर आपको लग रहा है जो आप कर रहे हो अभी ये जस्टिफाइड है, तो कोई बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, फिर आप करो जो करना है। ठीक है,
जो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बंद कर दीजिए, आप चैट बंद कर दीजिए, आपको चैट की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप मेरी बात सुनिए बस, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा करूंगा, रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा आपको, तो आराम से बात करते रहना फिर। चलो बच्चे, ये सारा कुछ मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है? आपने एक बार इसको पढ़ लेना, ये आपको मैं दे दूंगा सारी की सारी फाइल्स जो अभी एक्सप्लेन कर रहा है, वो सारा इसमें गिवन है। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी में मैंने आपको बता दिया था कि क्या होती है हमारे पास रैम, क्या होती है रोम, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, ये आप इसको देख लेना। रैम और रोम में एक बार हम डिफरेंस एक बार देख लेते हैं, ठीक है? रैम की अगर हम बात करें, वोलाटाइल और टेम्पररी मेमोरी होती है ये, ठीक है? रोम होती है नॉन वोलाटाइल, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, इसको आप खुद से डिलीट नहीं कर सकते, हम नहीं प्रोग्राम कर सकते रोम को, ठीक है? दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डेटा गेट्स इरेज्ड व्हेन पावर सप्लाई गेट्स ऑफ, डेटा जो है वो इरेज हो जाता है जब पावर सप्लाई को हम बंद कर देते हैं, ठीक है? रैम में, रोम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड कर दिया उसके बाद कुछ भी इसको ओवरराइट आप नहीं कर सकते हो, कुछ भी इरेज नहीं होगा। फास्ट होती है मेमोरी ये, रैम ऑब्वियसली फास्टर होती है एज कम्पेयर टू रोम, रोम इससे स्लो होती है। उसके बाद आएगा कि इट इज यूज्ड टू नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर आफ्टर स्टार्टिंग अप एंड लोडिंग द ऑपरेशन सिस्टम, एक बार स्टार्ट हो गया ना उसके बाद के सारे काम कौन करता है जी, रैम करता है। रोम क्या करती है, यूज टू प्राइमरी इन द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को जो स्टार्ट करने का काम होता है वो रोम का होता है, ये मैं करवा चुका हूँ सारा, है ना? तो इसमें दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है। रोम की बात करें तो प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, ये सारा कुछ इसमें रहता है, ठीक है जी? चलो बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सॉरी नेक्स्ट टाइप आएगी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, आप अपने कंप्यूटर के साथ कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी अगर लगा के रखी है आपने, तो वो क्या रहेगी हमारे पास, वो क्या रहेगी हमारे पास जी, सेकेंडरी मेमोरी होगी। जैसे आपकी पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स है, मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं, ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होते हैं, ठीक है? और ये मेन मेमोरी से क्या होती है, स्लो होती है, मेन मेमोरी से स्लो होती है। ऑब्वियसली इसकी स्पीड कम है, क्यों? क्योंकि मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, अप टू 1 TB, और ये जो मैंने अप टू 1 TB लिखा है ना, ये एक डिस्क की मेमोरी है, अप टू 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 5 TB, कितनी भी मेमोरी हो सकती है, आज के टाइम पे कंप्यूटर इतना इवॉल्व हो चुका है, ठीक है? डेटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली इसका यूज किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी है, इसके साथ इसके बाद एसएसडी आजकल काफी प्रचलित है, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं इसको, ठीक है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये क्या है, एसएसडी है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी की, गूगल ड्राइव जो होती है बच्चे, वो होती है क्या बोलते हैं उनको, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज कह सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज टू बी एग्जैक्ट इसका नाम होता है, ठीक है? वो बाद की बात है, बाद में पढ़ेंगे उसका, ठीक है? अब अगर मैं सेकेंडरी मेमोरीज की बात करूं तो दो तरीके से, मैग्नेटिक भी मिल जाएंगी आपको, और आपको इसमें ऑप्टिकल भी देखने को मिल जाएंगी। परमानेंट मेमोरीज होती हैं, डेटा परमानेंटली इसमें स्टोर रहता है, और कंप्यूटर जो है वो बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी रन कर सकता है। भाई कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक तो चाहिए रोम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करेगी, और एक चाहिए रैम जो कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होगी, और इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी इनकी जरूरत इसमें नहीं है। अब सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम देखें तो दो तरीके का एक्सेस होता है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई सीक्वेंस, पहला आता है सिक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक टेप्स, जैसे ये वाली कैसेट्स आपने देखी होंगी। सिक्वेंशियल क्यों बोलते हैं इसको, ये समझो, ये जो कैसेट होती है ये बहुत पुराने टाइम की, 90s के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, स्टूडेंट्स होंगे, इसमें क्या होता था कि हम सीरियल वाइज, सिक्वेंस वाइज इसमें सॉन्ग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें हम सॉरी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जो पहले नंबर पे सॉन्ग होगा वो पहले चलेगा, दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पे चलेगा, तीसरे नंबर वाला तीसरे नंबर पे चलेगा, फोर्थ नंबर वाला फोर्थ नंबर पे चलेगा। तो आप इसको रैंडमली ऐसा नहीं कर सकते कि पहले से चार पे जाना है, तो पहले से चार पे जाने के लिए आपको सेकेंड थर्ड पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सेस की। डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, रीराइटेबल सीडी है, ब्लू रे डिस्क है, पेन ड्राइव्स है, मेमोरी कार्ड्स है, ये सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सेस है।
कि आपने मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है, तो फर्स्ट सॉन्ग से अगर आपने एट्थ सॉन्ग तक जाना है तो आपको सीधा एट्थ पे आ सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं डायरेक्ट एक्सेस। तो दो तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया गया था, एक है सिक्वेंशियल, दूसरा कौन सा है डायरेक्ट। आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, इसमें मेमोरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस डिस्क की कितनी मेमोरी होती है, एग्जाम में सवाल बन सकता है। तो ये तो प्योर रट्टे वाली बात है, प्योर रट्टा मारने वाली बात है भाई। सीडी डीवीडी जो है वो 4.7 GB की होती है, ये हमें पता है, लिखा होता था ना उसके ऊपर, कितने की होती है, 4.5 GB की होती है। अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड स्टेट डिवाइस की, ड्राइव की, पेन ड्राइव वगैरह हो गया, जो कोई भी सॉलिड स्टेट में SSD है, वो एक एक जो होता है वो 512 GB तक होता है। बाकी पता नहीं आज के टाइम अभी तक 512 GB है, ये 1 TB भी हो सकता है, 2 TB भी हो सकता है, सिंगल कोर, जो सिंगल कोर होता है, और जो मैग्नेटिक टेप होती है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1 TB है। आपसे पेपर में ये नहीं पूछेगा कि किसकी कितनी है, आपसे ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेबिलिटी, ऐसे सवाल आ सकता है कि हाईएस्ट स्टोरेज किसकी होगी, इनमें से किसकी हाईएस्ट होगी। तो सबसे ज्यादा होती है मैग्नेटिक टेप की, फिर आ जाता है सॉलिड स्टेट, फिर आते हैं ऑप्टिकल दोनों, सीडी रोम भी और डीवीडी रोम और सीडी रोम, और फिर आता है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क जो कि 1.2 MB की होती है। उसके बाद नीचे ये जो आपको दिख रही है फोटो, ये स्पीड क्या है एक, और एक कैपेसिटी का है, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड होगी उसकी कैपेसिटी सबसे कम होगी। जैसे रजिस्टर्स इन दी सीपीयू, सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे कम होती है। उससे कम कैशे, फिर मेन मेमोरी, फिर डिस्क कैशे, फिर मैग्नेटिक डिस्क है, फिर ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक टेप है। ठीक है, इस तरीके से मतलब इनकी स्पीड नीचे से कम होती जाएगी, और ऐसे ऊपर जब जाओगे तो स्पीड ज्यादा होती रहेगी और मेमोरी कम होती रहेगी, इस तरीके से। हाँ जी, समझ गए बात को, ये आपको मैं दे दूंगा, ये आपको मिल जाएगी इसकी PDF। ठीक है, चलो बच्चे अब नेक्स्ट देखो। अब बिट और बाइट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा, ये लास्ट ही है बस, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं क्लास को फिर खत्म कर दूंगा। जो डेटा होता है ना, जो कंप्यूटर का डेटा होता है, वो हमेशा मशीन लैंग्वेज से स्टोर होता है ना। मशीन लैंग्वेज आपको पता है कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता है, और वो क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1। बाइनरी लैंग्वेज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 और 1। और 0 और 1 क्या होता है, बिट, इसको बोला जाता है बिट, ऐसे BIT बिट बोला जाता है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिट। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए बात को। उसके बाद 4 बिट्स मिलके एक निबल बनाती हैं, 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है, जिसको एक ऑक्टेट भी कहा जाता है। अब ये जो ऑक्टेट है ना, जब मैं आपको IPv4 बताऊंगा ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स बताऊंगा, वहां पे बताऊंगा ऑक्टेट क्या चीज होती है। ठीक है, ये वैसे रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, जब आप रिविजन करोगे ना तब आपको ये काफी हेल्प देगा। एक बार पूरा कंप्लीट करके रिविजन जब करोगे तब आपको पता चलेगा क्या होता है। फिर उसके बाद 1024 bytes इज इक्वल टू 1 KB, 1024 जो किलो बाइट होते हैं वो क्या बनता है, एक मेगा बाइट बन जाता है, और ऐसे ही ये पूरा चलता रहेगा यहां तक, ये सारा मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, सबसे छोटा होता है बिट, बिट के बाद आता है निबल, फिर आता है बाइट, फिर किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट के बाद आ जाएगा पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, जोटा बाइट। ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अभी तक जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो यहां तक पहुंच चुकी है, यहां तक आपने देखा होगा कि जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो यहां तक पहुंच चुके हैं, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए लगभग ये मान लो कि 40 साल का समय लगा है, तो आने वाले 20 साल में मुझे लगता है हम यहां तक भी पहुंच जाएंगे, यहां तक इजीली पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, वर्ड वर्ड होता है, वर्ड 16 2 KB का होता है एक वर्ड। नेक्स्ट देखो जी, अब रजिस्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि रजिस्टर्स कितने तरह के होते हैं, रजिस्टर्स कितने तरह के होते हैं। देखो, कंप्यूटर का सीपीयू कोई भी काम कर रहा है, देखो सीपीयू का काम बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस करना। तो डेटा जो प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ स्टोर होगा, रजिस्टर्स में। जो आउटपुट आएगी, पहले जो आउटपुट होगी वो पहले रजिस्टर्स में आएगी, फिर मेरे मेमोरी में जाएगी। ठीक है, फिर आप उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हो,
सेकेंडरी मेमोरी में। तो सब कुछ रजिस्टर से होके निकलता है, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग रजिस्टर्स रखे हुए हैं, ठीक है। सीपीयू जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ होती है, रजिस्टर्स के अंदर। और वो एएलयू के लिए अलग है, सीयू के लिए अलग है, हर एक चीज के लिए अलग अलग आपको रजिस्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रजिस्टर वो आता है अकोमोलेटर रजिस्टर्स। क्वेश्चन पता क्या बनता है कि जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, अकोमोडेटर रजिस्टर, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल क्या आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद प्रोसेसर, डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोसेसर या एसोसिएटेड विद प्रोसेसर, कि प्रोसेसर के साथ कौन सा रजिस्टर जो है वो कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, अकोमोडेटर रजिस्टर। क्योंकि जो एएलयू होता है ना, एएलयू होता है, इसे बोला जाता है प्रोसेसर, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोसेसर। और एएलयू प्लस सीयू जब आ जाते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, सीपीयू। इसको हम क्या बोल देंगे, सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसर होता है वो एएलयू है, और एएलयू के साथ कौन है, अकोमोडेटर है, ठीक है। फिर उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू विच डेटा इज स्टोर, डेटा कहाँ स्टोर करना है उसके जो उसका जो एड्रेस है वो ये वाला रजिस्टर अपने पास रखता है, इसको एमएआर कहा जाता है या फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहा जाता है। उसके बाद आता है जी प्रोग्राम काउंटर, ये भी एक तरह का रजिस्टर है, इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ द टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इट कंटेन्स द करंट इंस्ट्रक्शंस बीइंग प्रोसेस्ड, मतलब जो करंट इंस्ट्रक्शन चल रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो कहाँ स्टोर रहेगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। लास्ट आएगा हमारे पास अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसको कहा जाता है यूपीएस। कंप्यूटर के साथ एक एडिशनल डिवाइस लगता है कि अगर मान लो लाइट चली जाए, अगर लाइट चली जाए तो उस केस के लिए, उस केस में 10-15 मिनट उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, उसके लिए अलग से एक बैटरी इंस्टॉल की जाती है साथ में, जिसको बोला जाता है यूपीएस, यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, ये रही आज की क्लास, जिसमें हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हमने सारे, उसके बाद हमने मेमोरी देखी है, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने सारा का सारा आपके साथ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो भाई अब प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, एक थोड़े अच्छे स्टूडेंट्स की तरह बनो, अच्छे तरीके से कमेंट करा करो, आपके कमेंट सेक्शन ही आपका मतलब कि नेचर डिसाइड करते हैं। तो अब मेरे रडार में 3-4 नाम हैं जो आगे ब्लॉक होने वाले हैं, मे बी वो अच्छे स्टूडेंट हैं, इसीलिए मैं उनको ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। बट सिर्फ अच्छा स्टूडेंट होना ही अच्छी ठीक नहीं है, एटीट्यूड भी आपका अच्छा होना चाहिए। सो एक रिक्वेस्ट आप सभी से, कल को आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, लेकिन अगर मान लो जॉब नहीं मिलती है ऐसी हरकतों की वजह से, आप अपने आप को अगर डिस्ट्रैक्ट करोगे तो उससे तो नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो फिर कल को आप एक्सक्यूज दोगे कि ये चीज़ नहीं थी या वो चीज़ नहीं थी, तो उससे बचना है आपने, ठीक है, उस चीज़ से आपने बचना है, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, क्लियर। चलो भाई आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूँ, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे पोर्टल के ऊपर, बाकी आज लास्ट डे है, आज के बाद डिस्काउंट बंद हो जाएगा हमारी टेस्ट सीरीज के ऊपर, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, आज पहला टेस्ट उसमें जाने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।